देखो इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट्स का जो क्रेज है, जो सेल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और इस सेगमेंट के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में कुछ कार कंपनियां इसी सेगमेंट के अंदर अपने कुछ कारों को लॉन्च करने वाली है, तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 अपकमिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिनको अगले साल यानी 2024 में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। फर्स्ट कार टोयोटा की तरफ से आती है, जिसका नाम रहेगा टाइजर, और ये कार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का रिबाइज वर्जन होने वाला है। देखो पिछले 2-3 सालों से टोयोटा और मारुति सुजुकी के बीच एक पार्टनरशिप बनी हुई है, जिसके तहत टोयोटा कंपनी मारुति सुजुकी की कारों को अपनी बैजिंग लगाकर इंडिया में उतारती है। सिमिलरली मारुति सुजुकी भी टोयोटा की कुछ कारों को अपनी बैजिंग लगाकर उतारती रहती है। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने फ्रॉन्क्स को इंडिया में लॉन्च किया था, अब इसी कार को टोयोटा अपनी बैजिंग लगाकर इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। और ये एक कूपे स्टाइल कॉम्पैक्ट एसयूवी कार होने वाली है, जो कि कंपीट करेगी टाटा पंच के साथ, इसके अलावा हुंडई की एक्सटर के साथ। और इस कार के लॉन्च के बाद डेफिनेटली टोयोटा के सेल्स में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो इसके एक्सटीरियर में टोयोटा कंपनी चेंजेस कर सकती है, क्योंकि ये अलग दिखनी चाहिए एज कम्पेयर टू फ्रॉन्क्स। इसके फ्रंट फीचर में आपको न्यू ग्रिल का सेटअप देखने को मिल जाएगा, शायद लाइटिंग सेटअप सिमिलर भी हो सकता है, या फिर नए डिजाइन के साथ लाइटिंग सेटअप भी ऑफर किया जा सकता है। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको अलग डिजाइन के साथ अलॉय व्हील का सेटअप देखने को मिल जाएगा। रियर के फीचर में थोड़े से अपडेट किए जा सकते हैं। तो टाइजर के एक्सटीरियर में आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। इसका लुक थोड़ा सा अलग रखा जाएगा, जिस तरह से ये दोनों ही कार कंपनियां करती आ रही है, सेम चीज यहाँ पर टाइजर के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर भी बात करूं, यहाँ पर इंजन के तौर पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो फ्रॉन्क्स के अंदर इंजन दिया जाता है, सेम इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ टोयोटा कंपनी टाइजर को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। और आज के डेट में फ्रॉन्क्स के अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों को पावर आउटपुट चाहिए होती है, उन लोगों के लिए टर्बो पेट्रोल मॉडल भी अवेलेबल है, और जिन लोगों को ज्यादा माइलेज चाहिए होता है, उन लोगों के लिए एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस के तौर पर और परफॉर्मेंस के तौर पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, यहाँ पर डैशबोर्ड का डिजाइन थोड़ा सा अलग रखा जाएगा। इसके अलावा टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और फीचर्स आपको लगभग सेम देखने को मिल जाएंगे। शायद टोयोटा कंपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 2-3 ज्यादा फीचर्स यहाँ पर टाइजर के अंदर ऑफर कर सकती है। टोयोटा कंपनी इस कार को अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च करेगी, और इस कार की एक्सपेक्टेड कीमत 8 से या फिर 8.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगर टोयोटा कंपनी इस कार के अंदर ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है, तो उस केस में आपको इस कार की कीमत फ्रॉन्क्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सेकेंड नंबर की कार होंडा की तरफ से आती है, जो कि है न्यू जनरेशन WRV, और इस कार को ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी होंडा कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। होंडा कंपनी ने WRV को इंडिया से ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया है, और इसकी जगह पर अब आपको न्यू जनरेशन WRV बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। न्यू जनरेशन WRV के अंदर काफी ज्यादा बदलाव करे हैं। अगर आप इसके एक्सटीरियर को देखोगे, अगर आप इसके इंटीरियर को देखोगे, तो आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे, काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और 2 साल पहले ही इसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया गया था। खैर, अब बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि होंडा कंपनी इंडिया में क्यों अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर रही है। अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं भी कर रही है, तो करंट मॉडल के अंदर क्यों अपडेट्स नहीं ला रही है। खैर, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और इसी चीज की वजह से आपको होंडा का भी सेल काफी कम देखने को मिल जाएगा। हालांकि रिसेंटली होंडा कंपनी ने एलिवेट को लॉन्च किया था, उसी वजह से यहाँ पर होंडा का सेल फिलहाल के लिए ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन होंडा की पोर्टफोलियो में आपको बहुत जल्दी न्यू जनरेशन WRV देखने को मिल जाएगी, जिसका फ्रंट का फीचर दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। पहले के मुकाबले यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट के जो ग्रिल्स है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, लाइटिंग सेटअप को भी बदला गया है। आपको यहाँ पर बाईफंक्शनल LED DRL का सेटअप देखने को मिल जाएगा, नए अलॉय व्हील्स ऑफर कर रहे, और ये पहले के मुकाबले साइड से भी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। यहाँ पर आपको डायमेंशंस के अंदर भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जो इंडियन मॉडल रहेगा, उसके डायमेंशंस अभी तक सामने निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन जो करंट मॉडल इंडिया में बिक रहे थे, उसके मुकाबले यहाँ पर अपकमिंग WRV के डायमेंशंस आपको कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं, तो यहाँ पर आपको रियर के फीचर में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि न्यू LED टेल लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेलगेट कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, रूफ माउंटेड स्पॉयलर आपको देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको वाइपर मिलने वाला है, और भी ढेर सारे एलिमेंट्स आपको न्यू जनरेशन WRV के एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे। इसका इंटीरियर भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आपको नया टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, नया स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया है, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है, यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको मिलेगा, जिसके तहत आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, नए सीट्स आपको मिलने वाला है, कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल देखने को
मिल जाएगा और भी ढेर सारे फीचर्स आपको अपकमिंग हुंडा WRV के अंदर देखने को मिल जाएंगे। रही बात इंजन की, तो इस कार के अंदर आपको अपडेटेड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है जिसकी पावर आउटपुट ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। इस कार को अगले साल के शुरुआत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है और करंट मॉडल के मुकाबले अपकमिंग WRV की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा ही देखने को मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, ये कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद चलेगी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तीसरी कार महिंद्रा की तरफ से आती है जो कि है XUV300 का फेसलिफ्ट मॉडल और फिलहाल के लिए ये कार टेस्टिंग फेज में है। महिंद्रा कंपनी XUV300 के फेसलिफ्ट मॉडल को अगले साल की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च करने वाली है और इस कार के अंदर भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जिस सेगमेंट के अंदर XUV300 बिक रही है उस सेगमेंट की बहुत सारी कारों को ऑलरेडी फेसलिफ्ट मिल चुका है या फिर ऑलरेडी अपडेट मिल चुका है, उसी वजह से XUV300 थोड़ी सी पीछे रह गई थी। लेकिन फिर भी अगर इसका सेल देखा जाए तो ये कार अच्छी खासी बिक रही है। हर महीने XUV300 के 3-4 हज़ार यूनिट आराम से बिक जाते हैं और जब इसका फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा तो डेफिनेटली आने वाले समय में इस कार के सेल्स में आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आपको फ्रंट फीशा में, साइड प्रोफाइल में और रियर के प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो भी स्पाइड इमेजेस सामने निकल कर आ चुके हैं उसके अंदर कैमोफ्लॉज देख सकते हैं आप, उसी वजह से बहुत सारी चीजें अनविजिबल थी। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आपको यहाँ पर बाईफंक्शनल LED DRL का सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसका डिजाइन सी शेप के साथ रहेगा। इसके अलावा आपको फ्रंट में नए ग्रिल्स मिलने वाले हैं, नए अलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे, उसी के साथ रियर के प्रोफाइल में भी काफी ज्यादा बदलाव करे जा सकते हैं। सिमिलरली आपको इंटीरियर के अंदर भी काफी ज्यादा अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जो करंट XUV300 इंडिया में बिक रही है उसका इंटीरियर थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, अब महिंद्रा कंपनी इसके इंटीरियर को थोड़ा सा मॉडर्न करने की कोशिश करेगी। साथ ही में आपको यहाँ पर बूट स्पेस भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। महिंद्रा कंपनी इस कार को जनवरी या फिर फरवरी के महीने में इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है या फिर सिंपली इसको रिवील किया जा सकता है सबसे पहले, उसके बाद इसके प्राइसेस को रिवील किया जाएगा। ये कार किया की तरफ से आती है जो कि है सोनेट का CNG मॉडल और फेसलिफ्ट मॉडल। यहाँ पर किया सोनेट के CNG मॉडल के अंदर और फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर भी आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। शायद किया कंपनी नॉर्मल से ही चेंजेस कर सकती है एक्सटीरियर में, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज रहेगा, सबसे बड़ा अपडेट रहेगा वो रहेगा CNG किट का। जिस सेगमेंट के अंदर सोनेट इंडिया में बिक रही है उस सेगमेंट के अंदर आज के डेट में सिर्फ ब्रेजा इकलौती ऐसी कार है जिसके अंदर आपको CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी नेक्सॉन के अंदर भी CNG किट ऑफर किया जा सकता है। तो यहाँ पर किया सोनेट का CNG मॉडल फिलहाल के लिए टेस्टिंग फेज में है, इसका फेसलिफ्ट मॉडल भी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। चेंजेस ऑब्वियसली बात है कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, इंटीरियर में नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा, इंजन के अंदर आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी अपडेट किया जाएगा, जो भी बदलाव करे जाएंगे वो आपको इंटीरियर में और एक्सटीरियर में देखने को मिल जाएंगे किया सोनेट के। और अगर इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में ज्यादा बदलाव किए जाते हैं तो उसी वजह से इसके फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू करंट मॉडल। किया सोनेट का फेसलिफ्ट मॉडल और CNG मॉडल शायद एक साथ भी लॉन्च हो सकता है या फिर सिंपली किया कंपनी इसके फेसलिफ्ट मॉडल को पहले लॉन्च कर सकती है और CNG मॉडल को बाद में लॉन्च कर सकती है और दोनों ही मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। आखिरी नंबर की कार है वो है टाटा की पंच EV जो कि एक माइक्रो SUV कार है। हालांकि ये कॉम्पैक्ट SUV नहीं है लेकिन फिर भी इसको मैंने इस लिस्ट के अंदर ऐड किया क्योंकि आज के डेट में टाटा पंच इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा धूम मचा रही है। देखो रिसेंटली बहुत सारे इमेजेस और वीडियोस आउट हो चुके हैं टाटा पंच EV के और इसको बार बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको टाटा पंच EV भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। आज के डेट में टाटा के पोर्टफोलियो में आपको टियागो EV देखने को मिल जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के साथ आती है। इसके ऊपर टिगोर EV आती है, उसके ऊपर नेक्सॉन EV आती है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है और यहाँ पर बहुत जल्दी टाटा कंपनी एंट्री लेवल सेगमेंट के अंदर पंच के साथ इंडिया में एंट्री करने वाली है। तो यहाँ पर टाटा पंच EV के साथ आपको लगभग 215 या फिर 230 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिल सकती है और शायद इस कार के अंदर टियागो EV वाला ही बैटरी बैकअप और मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके तहत आपको अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाएगी। और एक्सटीरियर में आपको नॉर्मल से बदलाव देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट का फीचर थोड़ा सा अलग रखा जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, उसी वजह से फ्रंट के फीचर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और इंटीरियर में काफी ज्यादा बदलाव किए जा सकते हैं। ये सब कुछ चीजें हमें अगले साल पता चल जाएंगी, यानी अगले साल के शुरुआत में ही टाटा पंच इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये 5 कार्स थी जिनको अगले कुछ महीनों में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कुछ कार्स ऐसी भी हो सकती है जिनके लॉन्चिंग में डिले भी हो सकता है या फिर इनको जल्दी भी लॉन्च किया जा सकता है। ये सब कुछ चीजें कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।